आज हम इस वीडियो में जो है स्टूडेंट लोग के लिए एक स्टोरी सुनाने वाले हैं। तो ये स्टोरी को समझो और इससे जो है कुछ कुछ लर्निंग लो। तो एक जो है मतलब मम्मी पापा थे, तो उनका उम्र बहुत हो गया था, तो वो चाह रहे थे कि वो सारा जिम्मेवारी से जो है अपना जो है जितना सारा जिम्मेवारी होता है उससे जो है दूर होकर जो है अब मतलब रिटायर होने के लिए चाह रहे थे। अब उनका उम्र भी हो गया था, 60 के लगभग हो गया था। तो रिटायरमेंट में तो क्या किस तरीके का जिम्मेवारी, जैसे मान लो कि बच्चों को देखना, मतलब जो बड़ा हो गया उनको देखना है और भी कुछ कुछ हेल्प करना है, ये सबसे वो जिम्मेवारी से जो हट जा रहा था। उनका बात भी सही था, एक उम्र हो जाने के बाद जो हट जाना सही रहता। तो एक दिन क्या हुआ ना कि वो जो है घर लेने के लिए थोड़ा ट्राई कर रहे थे। तो वो अपना लड़का से पूछने का कि जो है घर ले ले। तो वो बोलता है कि ठीक है, जब आप लीजिएगा तो थोड़ा अच्छा से लीजिए, अच्छा घर लीजिए। तो वो जो है लोन ले लिए। तो वो लोन ले लिया। अब लोन लेने के कारण प्रॉब्लम क्या हुआ, तो वो लोन लेके जो है एक अच्छा सा घर ले लिया अपना लड़का का बात सुन के। तो अब प्रॉब्लम थोड़ा चालू हुआ। अब उनको जब लोन ले लेता है तो लोन लेने में प्रॉब्लम नहीं होता, लोन देने में प्रॉब्लम होता। अब पैसा तो देना पड़ेगा हर महीना, तो उनको तो हर महीना पैसा देना पड़ेगा। इसीलिए वो जो है एक काम स्टार्ट किया, 60 का एज में कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, अपना मोदी दुकान स्टार्ट किया। तो उससे थोड़ा थोड़ा पैसा होने लगा। तो वो जो है वो मम्मी और पापा दोनों उसमें जो है काम करने लगा, थोड़ा थोड़ा जो है पैसा होने लगा। लेकिन मम्मी और पापा दोनों का क्या मन था कि इस चीज़ से हट जाके अब जो है सारा जिम्मेवारी से जो है हट जाने का मन था। तो एक दिन उसका मम्मी जो है मतलब जो है पापा को बोलते हैं कि तुम अपना लड़का से बात करो, उनको उसको बोलो कि हम लोग तो अब इस चीज़ से हम लोग जो है हट जाना चाह रहे हैं, तो जो है तो सही रहेगा। तो हम लोग को इस चीज़ में कोई मन नहीं, हम लोग इस चीज़ से हट जाना चाह रहे हैं। तो उसका पापा सुनता है, बोलता है ठीक है, अपना लड़का से बात करता है। तो वो जाता है बात करने के लिए, तो उसका लड़का से जो बोलता है कि हम लोग का जो है सोच रहे इससे हट जाने के लिए। तो उसका जो लड़का बोलता है कि जो है ठीक है, अभी तो मतलब जो है ऐसा अभी तो हम इसके बारे में सोच रहे हैं, एक बार मेरे को मेरा बिजनेस स्टेबल हो जाने दीजिए, उसके बाद आप जो है छोड़ कर चल जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसका पापा खुश हो जाता है, खुश होकर जो है मम्मी को जो है जाकर बोलता है कि देखो तुम हमको मालूम था मेरा लड़का मेरे बारे में सोच रहा है, वो तो ये सब के बारे में सोच रहा है, वो ये सब जो है करने के लिए जो है ट्राई कर रहा है, वो जब एक बार सेटल हो जाएगा तो जो है खुद ब खुद जो हम लोग को बोल देगा। तो ऐसे करते करते उनका मोदी दुकान थोड़ा जो चलने लगा, कुछ दिन जो है काम करने लगा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा ऐसे करके जो है टाइम चलते गया, एक साल दूसरा जो है बीत गया, लेकिन और उसको छुट्टी नहीं मिल रहा। तो एक दिन क्या हुआ, मोदी दुकान में वो जो है माथा घुड़ा के जो है वो गिर गया। तो उस समय उसका मम्मी आई, पानी नहीं दी, तो फिर उनको उठाई, तो वो और भी जो है भमक गया। तो वो उनका मम्मी को मालूम चल रहा था कि लड़का जो अपना अयाशी में लगा हुआ, वो जो गृहस्थ हो गया, शादीशुदा हो गया, उस घर जो है बैंगलोर में बस यहाँ पे रह रहा, अपना जो है पैसा इनकम ले रहा और वो जो है घर में पटाता है बस, और कुछ नहीं, अपना ऐसो मौज में जो है पैसा खर्चा कर रहा और कुछ नहीं, बस हम लोग का शोषण कर रहा। लेकिन उसका मम्मी फिर भी कुछ नहीं बोलता, उसका मतलब पापा को बोलता कि आप जाके फिर से बात कीजिए। तो उसका पापा फिर से जाकर बात करता है, लेकिन कुछ काम नहीं बनता, वो ऐसे का वैसे ही चलता। तो इसीलिए हम एक ही चीज़ बोलेंगे, जितना सारा स्टूडेंट है हम लोग को जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा चीज़ है ना जो कभी कोई किसी को देगा नहीं, वो हमेशा लेना पड़ता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम लोग को उस लायक बनना पड़ता है। तो जितना सारा स्टूडेंट है उसको ये चीज़ समझना चाहिए। और दूसरा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यदि तुम्हारे साथ सबको हो जाएगा तो फिर देश चलेगा कैसे। और दूसरा ये चीज़, कोई भी तुम्हारे लिए कितना मतलब कुछ भी कष्ट करता है, जैसे पापा मम्मी, ये चीज़ को हम लोग को महसूस करना चाहिए कि इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है, वो अपना नहीं देख के जो है सब चीज़ जो है करता है, क्यों करता है। इसीलिए तो चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे दोस्त हो, चाहे किसी कोई भी हो, तो उसके लिए हम लोग को ये चीज़ सोचना चाहिए कि जो है कोई भी इंसान हम लोग के लिए इतना कर रहा है, तो हमको भी इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, यदि नहीं करते हैं तो जो है ठीक नहीं है। तो इसीलिए इस काम से दो सीख मिलता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, और दूसरा हम लोग को महसूस करना चाहिए कि जो है कोई भी इंसान हम लोग के लिए कितना कुछ कर रहा, तो हम लोग को भी तो उसके लिए बहुत कुछ करना चाहिए ना। तो ये चीज़ से बस आज का काम इतना। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।